प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं दम वाली चाय या दम वाला कहवा। चाय में जो चीज़ें जाएंगी उसमें सबसे पहले आती है अदरक। इसको बारीक काट के कूट लेना है। थोड़ी सी दालचीनी, इलायची 5-6 लौंग, 2 चम्मच चीनी अगर आप लेते हैं तो, 3 चाय के चम्मच पत्ती, छोटा सा स्टील का पतीला लिया है, इसके ऊपर मलमल का कोई सा कपड़ा लगा के इसको अच्छे से बांध लेना है कि ये कपड़ा हिले ना अपनी जगह से। अब हम इसमें पानी डालते हैं। 2 कप चाय बनानी है तो 2 कप इसमें पानी डाल दें। आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। पत्ती, चीनी, मसाले आपकी दालचीनी, इलायची और लौंग आ जाएगा इसमें। इलायची को थोड़ा सा खोल लें ताकि इसके दाने अलग हो जाएं। कुटी हुई अदरक शामिल करते हैं। एक बड़े साइज का पतीला या भगोना लेके उसमें 1.5 से 2 ग्लास पानी डाल दें और उसको दम वाली आग पे रख दें। पतीले के अंदर एक छोटी प्लेट रख लें उल्टा करके। इसके ऊपर हम चाय का पतीला रखते हैं। पतीले को ढक के ऊपर कोई वजन दे देते हैं। हल्की आंच पे इसको 20 से 25 मिनट तक पकने दें। आप इसको प्रेशर कुकर में भी 10 मिनट में बना सकते हैं। मिनट हो गए हैं हमारे कहवे को पकते हुए। अगर आप ज़्यादा कहवा लेना चाहते हैं तो इसको मज़ीद पकने दें। और अगर आपको दूध वाली मिक्स चाय पसंद है तो हम दूध को अच्छी तरह से गर्म करके कहवे में शामिल कर देंगे। दूध को उबाल आ गया है। अब हम इसको 10 मिनट हल्की आंच पे और पकाएंगे। चाय का कहवा पक के तैयार हो गया है। अब हम इसमें दूध शामिल करते हैं। कहवा आप पहले भी तैयार कर सकते हैं। अब हम कहवे को दूध में शामिल करके इसको पका देंगे। चाय अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसको कप में निकालेंगे।